नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सरिया चोर गैंग पुलिस की गिरफ्त में लाखों का मसरूका किया बरामद। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल, अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज नवीन दुबे के मार्गदर्शन में अपने अधीनस्थ थाना की पुलिस टीम के साथ रीवा जिले में लगातार बड़ी चोरियों के वारदात को अंजाम दे रहे बड़े गैंग को गिरफ्त में लेते हुए रीवा जिले के विभिन्न थानों के कुल 18 अपराधों का खुलासा किया है। चोरों की टोली बनाकर लोहे का सरिया रात्रि में चोरी करते थे। घटना में आरोपियों द्वारा प्रयुक्त लोडिंग वाहनों को भी जब्त किया गया तथा खुलासा किया गया। अपराधों में लाखों रुपए का सरिया एवं वाहनों की बरामदगी किया गया। खुलासा किए गए अपराध थाना रायपुर करछुलियान 4 अपराध, थानागढ़ 2 अपराध, थाना नईगढ़ी, थाना विश्वविद्यालय 2 अपराध, थाना मऊगंज, थाना पनवार, थाना अतरोला, थाना ताला, थाना रामपुर बघेलान। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आज हमारी टीम ने एक ऐसे चोरों के गिरोह को पकड़ा है जो सरिया चोरी करने की घटनाएं लगातार कारित कर रहे थे। पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से लगातार जो घटनाएं प्रेस में हुई थी उनमें से काफ़ी घटनाएं भी प्रेस हुई हैं। कुछ 6 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी या चोरी करने का तरीका इस प्रकार का है कि जब ये लोग इकट्ठे होते थे रात को तो नशा करते थे किसी न किसी प्रकार का। उसके बाद ये गैंग भ्रमण करके देखता था कि किस घर या दुकान के बाहर सरिया ओपन में रखा हुआ है। इन लोगों ने एक वाहन शुरू में अपने पुराने जो भी उन्होंने चोरी की घटनाएं की थी उससे पैसे चोर के लिया था। उसके पश्चात इन्होंने इस चोरी की सामग्री को बेचकर और अपना वाहन भी खरीदा, लोडिंग गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी। ये सब गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। 95 क्विंटल सरिया अभी तक हम लोग जब्त कर चुके हैं। कुल टोटल 6 लोग इस गैंग में अभी तक की जानकारी में हैं। एक इनका साथी और है जो अभी फरार है, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लोग मूलतः सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक साथी रामपुर बघेलान सतना का भी है। इनकी घटनाएं रीवा जिले के अलावा सतना में भी प्रकाश में आई हैं और अभी हम अन्य जिलों को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इनके बारे में, इनका डाटाबेस शेयर कर रहे हैं, इससे कि वहाँ भी कोई घटना है तो हम लोग उसको ट्रेस करने में सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, लोग घरों के बाहर दुकान के बाहर सरिया बड़ी मात्रा में ले जाना और लगभग 6-7 लाख के रुपए के बीच का सरिया और 1-5 लाख का वाहन, ऐसा करते करते हम लोगों ने लगभग 12-15 लाख की रिकवरी इसमें की। सर ये तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ लड़के एक रामपुर बघेलान सतना का भी है और एक और जो भी फरार चल रहा है व्यक्ति उसका भी एड्रेस हमको क्लियर नहीं है, संभवतः गढ़ थाना क्षेत्र का, उसकी जानकारी मिल रही है।